हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने चैनल के ऊपर एक बार फिर से। जैसे फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम डेट जो है डिक्लेयर की जा चुकी है। 4 मई से 10 जून तक आपके एग्ज़ाम होने हैं और डेट शीट भी उसकी जारी कर दी गई है। अभी काफ़ी दिनों से इंतज़ार चल रहा था एचबीएससी एग्ज़ाम डेट के बारे में, कब से आपके एग्ज़ाम शुरू होंगे, डेट शीट कब आएगी, तो इसके बारे में दोस्तों टेंटेटिव डेट शीट जारी कर दी गई है। सबसे पहले हम देख लेते हैं पूरी न्यूज़ क्या है। दोस्तों, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन विल रिलीज द हरियाणा बोर्ड 12th डेट शीट 2021 इन फेबररी ऑन bsh.org.in। HBSC डेट शीट 2021 क्लास 12 PDF इंक्लूड्स द एग्जाम डेट्स, टाइमिंग एंड एग्जाम डे, इंस्ट्रक्शन फॉर बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस। स्टूडेंट्स मस्ट रेफर टू द HBSC 12th डेट शीट 2021 PDF एंड प्लान देयर स्टडी शेड्यूल अकॉर्डिंगली। HBSC 12th exam 2021 will be conducted in May and June 2021 tentatively. According to the HBSC class 12 date sheet 2021, the exam will be held from 12:30 PM to 3:30 PM. It is advisable that students must follow the exam day instruction included in HBSC date sheet class 12 2021. तो आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों HBSC 12th डेट शीट 2021, स्टूडेंट कैन गो थ्रू द एक्सपेक्टेड HBSC डेट शीट 2021 क्लास 12 बाय रेफरिंग टू द टेबल बिलो। दिस विल बी अपडेटेड एज सून एज द ऑफिशियल टाइम टेबल गेट रिलीज। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, आपकी टेंटेटिव में बताया गया है कि 4 मई से आपके एग्जाम जो है शुरू हो सकते हैं। इंग्लिश स्पेशल फॉर फॉरेन स्टूडेंट इन लीव ऑफ हिंदी कोर, हिंदी कोर इलेक्टिव ऑल ग्रुप्स के लिए। उसके बाद 6 मई को इकोनॉमिक्स या फिर फिजिक्स, 8 मई को फाइन आर्ट ऑल ऑप्शन, 10 मई को आपका मैथेमेटिक्स, 12 मई को आपका फिजिकल एजुकेशन, 14 मई को आपका होम साइंस, 17 मई को इंग्लिश कोर इलेक्टिव, 19 मई को मिलिट्री साइंस या फिर डांस ऑल ऑप्शन, 21 मई को आपका पंजाबी। और फ्रेंड्स, अगर आप करना चाहते हैं जेई मेन एंड एडवांस 23 के लिए अर्ली प्रिपरेशन, तो इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी आपके लिए लेके आया है अर्ली एंड्रॉयड प्लस वन बैच। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर जो है आपको जेई मेन एंड एडवांस के लिए अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी। ये फैकल्टी जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, कोटा में इन्होंने जो है काफ़ी वर्षों तक लगातार पढ़ाया है और काफ़ी एक्सपीरियंसड ये फैकल्टी है। टॉप एजुकेटर से पढ़ने का आपको घर बैठे ऑनलाइन पढ़ने का मौका मिल रहा है। ये बैच जो है 5 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ एजुकेटर्स की, तो आप देख रहे हैं ओम शर्मा सर ऑथर एंड मेंटर हैं, IIT बी ग्रेजुएट, 13+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है मैथ्स के अंदर कोटा के अंदर। दोस्तों MD काशिफ आलम सर है, पंकज सिंह है, सुरेश द्विवेदी है, जो कि अपनी अपनी कैटेगरी के अंदर महारथा हासिल किए हुए है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अर्ली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको इस बैच में ज़रूर एनरोल करना चाहिए। एनरोल करने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक प्रोवाइड करवा दिया है। उसको जैसे ही आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप के अंदर ओपन करेंगे, तो आपके पास इस तरह से कुछ सरफेस दिखाई देगा, जहाँ पर 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ का कुछ प्लान दिखाई देगा। इनमें से आप कोई भी प्रेफर कर सकते हैं। मैं प्रेफर करूँगा आपको 18th मंथ वाला, जो कि फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और इसके अंदर फ्रेंड्स, ये अगर आप कोड डाल देते हैं एग्जाम इन्फो और अप्लाई कर देते हैं, तो फ्रेंड्स आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, उसको ओपन कीजिए और एनरोल कर लीजिए इस बैच के अंदर। 24 मई को अकाउंटेंसी, केमिस्ट्री या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 26 मई को जियोग्राफी, मई 28 को ITES फॉर गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल SLCE सेकेंडरी 28 फरीदाबाद ओनली कंप्यूटर साइंस, 31 मई को हिस्ट्री या फिर बायोलॉजी, June 2 को एग्रीकल्चर या साइकोलॉजी, 4 जून को आपका संस्कृत उर्दू बायोटेक्नोलॉजी, 7 जून को आपका पॉलिटिकल साइंस, 9 जून को म्यूजिक हिंदुस्तानी, 11 जून को सोशियोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप, या फिर June 14 को पेशेंट केयर असिस्टेंट, फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स वगैरह से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आपकी HBSC 12th डेट शीट 2021 प्रैक्टिकल एग्जाम की, तो फ्रेंड्स ये जो है आपकी जल्द ही जारी कर दी जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाह रहे हैं कि आपको प्रिपरेशन किस तरह से करनी चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूं, आपको कुछ भी नहीं करना। जो लास्ट 2 से 3 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं, उनको अच्छे से रिवाइज कर लो। HBSC बोर्ड्स के अंदर अगर वो कर लेते हो, तो एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से देखने को नहीं मिलेगा। आपका लक खराब है तो 1 या 2 क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में कोई बाहर से देखने को मिल सकते हैं। बाकी 2 से 3 ईयर्स के अगर आप एग्ज़ाम पेपर कर लेते हो, तो आप जो है 100 में से 90% प्लस नंबर लेके आ सकते हो इजीली। तो दोस्तों
अगर आप लास्ट 2 से 3 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये होकर वीडियो लाइक जरूर कर देना अगर अच्छी लगी हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।